आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो है क्वेश्चन फाइंड द ड्यूल ऑफ द फॉलोइंग एलपीपी। एलपीपी दी हुई है हमारे पास मिनिमम जेड इक्वल टू 2x1 + 2x2 + 4x3 सब्जेक्ट टू 2x1 + 5x2 + 4x5x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 3x1 + 4x2 + 6x3 लेस देन इक्वल टू 5। x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब फिर हमारे पास जब ये ड्यूअलिटी दी हुई है तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं फिर, या तो हम इसमें हम कर सकते हैं, वो कर सकते हैं हम इसमें मिनिमम जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे पास दो होती हैं, या तो हमारे पास मिनिमम जेड बराबर सी टी एक्स और सब्जेक्ट टू ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बी दिया हो तो उस कंडीशन में ड्यूअलिटी होती है अपने पास, वो होती है अपने पास मैक्सिमम ओमेगा डी इक्वल टू बी टी ओमेगा सब्जेक्ट टू ए टी ओमेगा लेस देन इक्वल टू बी, एंड या एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या ओमेगा आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फर्स्ट फ्रेंड ये कंडीशन होती है। और सेकंड अगर इस तरह से हमारे पास ये हो कि मैक्सिमम जेड इक्वल टू सी टी एक्स हो और सब्जेक्ट टू ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी एंड एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो इसकी ड्यूअलिटी होती है अपने पास, वो होती है मिनिमम जेड डी मिनिमम सॉरी ओमेगा डी मिनिमम ओमेगा डी इक्वल टू ये होती है बी टी ओमेगा सब्जेक्ट टू ए टी ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर सी आएगा, यहाँ पे भी सी आएगा सी एंड ओमेगा आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब फिर हमारे पास ये दो कंडीशन होती हैं। हमारे पास पहली कंडीशन क्या है, हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है मिनिमम जेड इक्वल टू सी टी एक्स वाली कंडीशन दी हुई है, हमें इस कंडीशन में चेंज करना है इसको। तो इस कंडीशन में चेंज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, यहाँ पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लाना होगा। तो फिर ग्रेटर देन इक्वल टू साइन करने के लिए हमें -1 से मल्टीप्लाई करना होगा इसका। अब फिर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास, सॉल्यूशन करते हैं हम यहाँ से तो ये तो हो जाएगा मिनिमम जेड इक्वल टू 2x1 + 2x2 + 4x3 एंड सब्जेक्ट टू हो जाएगा वो हो जाएगा 2x1 + 5x2 + 5x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमें ग्रेटर देन इक्वल टू साइन लाना है तो ग्रेटर देन इक्वल टू साइन लाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा -3x1 - 4x2 - 6x3 ग्रेटर देन इक्वल टू -5। ये हो गया फ्रेंड्स। और यहाँ पे एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये हो गया अब हमारे पास। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम ए बराबर क्या है, हमारे पास ए बराबर है वो है 2 5 5 एंड ये अपने पास -3 -4 एंड -6 ये है। और फ्रेंड्स सी बराबर क्या है अपने पास, सी बराबर है वो अपने पास सी ट्रांसपोज बराबर अपने पास ये है सी ट्रांसपोज बराबर 2 2 4 एंड x बराबर है वो अपने पास x1 x2 x3 ये है फ्रेंड्स। अब हमें इसका ड्यूअलिटी चेंज करनी है तो ड्यूअलिटी चेंज करने के लिए ये हो जाएगा अपने पास मैक्सिमम ओमेगा डी इक्वल टू बी ट्रांसपोज। अब फ्रेंड्स बी क्या है यहाँ पे बी भी लिखना होगा हमें, बी है अपने पास 2 एंड 5 तो बी ट्रांसपोज हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा मैक्सिमम ओमेगा डी इक्वल टू बी ट्रांसपोज 2 5 और ओमेगा क्या है फ्रेंड्स यहाँ पे 2 हमारे पास दो रो हैं हमारे पास तो ये हो जाएगा ओमेगा 1 ओमेगा 2 सब्जेक्ट टू एक हमें ट्रांसपोज लिखना है तो एक का ट्रांसपोज लिख देते हैं हम 2 5 5 - 3 - 4 - 6 और ये हो जाएगा अपने पास ओमेगा 1 ओमेगा 2 लेस देन इक्वल टू
लेस देन इक्वल टू सी, फिर सी क्या जाएगा यहाँ, सी ट्रांसपोज बराबर ये है तो सी बराबर आ जाएगा 2 to 4। अब फिर इससे हमारे पास जो कंडीशन बनी है वो है मैक्सिमम ओमेगा डी इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देते तो 2 ओमेगा 1 + 5 ओमेगा 2 एंड सब्जेक्ट टू जो हमारे पास केस बने हैं वो है 2 ओमेगा 1 - 3 ओमेगा 2 लेस देन इक्वल टू 2, 5 ओमेगा 1 - 4 ओमेगा 2 लेस देन इक्वल टू 2 एंड 5 ओमेगा 1 - 6 ओमेगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर ये हमारे पास इसकी ड्यूअलिटी हो गई।